हेलो एवरीवन सीएलसी के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मैं अनुमान जांगी टीम केमिस्ट्री सीएलसी सीकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सीरीज के अंदर दो वीडियो अपलोड हो चुके हैं दो चैप्टर अपन तीन चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं मूल हो गया था रेडोक्स हो गया था एटोमिक स्ट्रक्चर आज वाले सेशन के अंदर अपन गैसेस स्टेट और थर्मोडाइनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री वाला टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट दोनों टॉपिक से जो है वो लास्ट टेन ईयर में थर्टी टू क्वेश्चन आए हुए दोनों चैप्टर को मिला के अगर बात करें तो ऑलमोस्ट मैं ऐसा बोल सकता हूँ पर ईयर जो है वो टू या फिर वन वन क्वेश्चन का फिक्स है ठीक है ऑन एवरेज ऐसा बोले तो दो साल में तीन क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड आए बिल्कुल कंसेप्चुअल क्वेश्चन है कोई याद रखने वाला नहीं है ठीक है और सेकेंड नंबर जो है वो एक फिक्स पैटर्न पे क्वेश्चन चले हैं ऐसा नहीं कि क्वेश्चन इधर उधर से आए फिक्स पैटर्न पे क्वेश्चन आए आइए एक एक करके इनको चर्चा करते हैं सबसे फर्स्ट नंबर गैसेस स्टेट में अपन ने जो है वो बेसिकली तीन चार टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन रखे एक तो गैस लॉस के ऊपर क्वेश्चन रखा है ठीक है फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर अगर, अगर अपन बात करें तो लॉ ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन डेंसिटी के ऊपर सेकंड नंबर टॉपिक थर्ड नंबर अपन ने रखा है क्वेश्चन डोल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर फोर्थ नंबर डिफ्यूजन फिफ्थ नंबर के के ऊपर और लास्ट जो है वो रियल गैस के ऊपर क्वेश्चन रखा मतलब छह सेक्शन में अपन ने इसको डिवाइड कर रखा है सबसे पहले अपन बात करते हैं कि गैस लॉस से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन है एक सिंपल सी बात बोलू अगर गैस लॉस से रिलेटेड अगर बात पे बात करें तो आइडियल गैस इक्वेशन ध्यान रखिए आप आइडियल गैस इक्वेशन आप ध्यान रखें आइडियल गैस इक्वेशन होता है पीवी इक्वल टू एनआरटी ये आइडियल गैस इक्वेशन है ठीक है पी प्रेशर को होल्ड करेगा वी वॉल्यूम को होल्ड करता है एन नंबर ऑफ मूल्स से टी टेम्परेचर टेम्परेचर हमेशा केमिस्ट्री में केल्विन में पुट करना है और आर जो है आर इज द गैस कॉन्स्टेंट आर क्या है गैस कॉन्स्टेंट यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट है जो गैस के नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा अगर आपने प्रेशर को ए में रखा वॉल्यूम को अगर आपने लीटर में रखा उस कंडीशन में आर की वैल्यू जीरो ये हो जाएगा एटीएम इंटू लीटर अपॉन मूल इंटू केल्विन जिसे आप वन बाई ट्वेल्व भी बोल सकते हो ठीक है जीरो पॉइंट जीरो एट थ्री होता है एक्चुअल में तो इसे हटा दे तो ठीक है जीरो पॉइंट जीरो एट टू वन जो होता है वो बार इंटू लीटर में होता है ओके एक सेकेंड हो हो जाएगा जाएगा ये ये होता होता है 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 में में रखोगे तो 1 ATM जो होता है, वो 1 बार होगा, तो जो वो होगा होके हो ठीक अगर आपने प्रेशर को जो है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल में पुट किया हुआ है वॉल्यूम मीटर क्यूब में तो ऐसा यूनिट में इसकी वैल्यू आएगी 8.314 जूल पर मोल इंटू

और जो कॉन्स्टेंट रहेगा उसी के अकॉर्डिंग लॉस हुए। जैसे बॉयल्स स्लो है तो बॉयल्स स्लो में अपन ये बोलते हैं प्रेशर इनवर्सली प्रपोजनल टू वॉल्यूम होगा कब? जब एन एंड टी क्या रहे कॉन्स्टेंट रहे तो यहां से देखो अगर एन और टी अगर कॉन्स्टेंट रखोगे तो इसका मतलब ये पूरा कॉन्स्टेंट हो गया अगर ये पूरा कॉन्स्टेंट हो गया तो पीवी कॉन्स्टेंट हो जाएगा अगर पीवी कॉन्स्टेंट होगा तो पी इज इनवर्सली हो जाएगा वी हो जाएगा यही मैंने लिखा है सेकेंड नंबर तो लॉ में बेसिकली जो होता है वो एन एंड पी कॉन्स्टेंट होता है अब ये काम कीजिएगा एन एंड पी अगर आप कॉन्स्टेंट रखते हो तो ये, रहा N constant, ये P constant, तो v किसका आएगा ठीक है तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर टेम्परेचर किस में होना चाहिए केल्विन में ये yeah. ठीक है फोर्थ नंबर पे बात करें चार्ल्स लॉ के बाद में तो है गेलुसाक लॉ गेलुसाक लॉ में जो है वो एन एंड वी कांस्टेंट रहेगा अगर एन और वी कांस्टेंट हो गया तो वी हट गया एन हट गया तो प्रेशर डायरेक्टली प्रपोजनल टू टेम्परेचर और लास्ट है एवोगेड्रो लो ये लीजिएगा सब एवोगेड्रो लो ये कहता है एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ द गैसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और इक्वल नंबर ऑफ मोल्स एट टी एंड पी कॉन्स्टेंट रहे ओके ये एक लॉ से रिलेटेड बात हो गई अब अपन देखते इनसे related question कैसे होंगे इतना इतना बस इतना ध्यान आप इस point से आपका में काम चल जाएगा ठीक है है चलिए 2021 का ही करेक्ट ऑप्शन फॉर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बोल स्लो विच शोज ए ग्राफ ऑफ प्रेशर वर्सेज वॉल्यूम ऑफ ए गैस एट डिफरेंट टेम्परेचर बोल के नियम का सही ग्राफीय निरूपण चुने जो विभिन्न तापों पर गैस का दाब

स्लो में अगर कभी भी ग्राफ बनेगा और टेम्परेचर का ऑर्डर पूछेगा तो जो ऊपर होगा ग्राफ उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा चाहे किसी के बीच में भी ग्राफ बना हो लगा है तो जो ग्राफ ऊपर होगा उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा चार्ल्स में अगर बात करें तो V डायरेक्टली प्रपोजनल टू होता है T और उसमें प्रेशर का ऑर्डर पूछता है तो अगर प्रेशर का ऑर्डर पूछेगा उस समय आपको यह ध्यान रखना है जो ग्राफ ऊपर होगा उसका प्रेशर कम होगा दो पॉइंट ध्यान रख लीजिएगा बोयल स्लो में जो ग्राफ ऊपर है उसका टेम्परेचर ज्यादा है चार्ल्स लॉ में जो ग्राफ ऊपर है उसका प्रेशर कम होगा बस ये ध्यान रख लो जिनके ऊपर क्वेश्चन बनने लायक है ओके समझ में आ गया क्वेश्चन लो समझ में आ गए चलिए री 2022 का क्वेश्चन है क्या कह रहा है देख लेते हैं ए वेसल कंटेन 3.2 ग्राम ऑफ डाइऑक्साइड गैस एट एसटीपी एसटीपी कंडीशन दिया स्टैंडर्ड टेंपरेचर एंड प्रेशर बकायदा इसने लिख दिया 1 एटीएम प्रेशर है गैस इन नाउ ट्रांसफर टू अनोदर वेसल एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर वेर प्रेशर बिकम्स वन थर्ड ऑफ दिनल प्रेशर इन लीटर इज एस टीपी पर एक पात्र में डाई ऑक्सीजन गैस के थ्री पॉइंट टू ग्राम में स्थिर ताप पर गैस को एक अन्य पात्र में स्थानांतरित किया गया जहां दाब पहले वाले दाब का एक तय ही हो जाता है तो नए पात्र का लिटर में आयतन बताओ ये क्वेश्चन पूछा है बहुत सिंपल सा तरीका आप पहले यह सोच लिया करो और उसको मैंने ट्रांसफर किया तो वो भी तो 3.2 पॉइंट रहेगा दूसरे कंटेनर में जाएगा इसका मतलब ऐसा थोड़ी ना हुआ गैस लीक हो गई हो तो इसका मतलब गैस का अमाउंट फिक्स रहेगा अगर गैस का अमाउंट फिक्स रहेगा तो नंबर ऑफ मूल भी फिक्स हो गया प्रेशर और वॉल्यूम का मल्टीप्लाई कांस्टेंट ये लो इसका मतलब पी वन वी वन इक्वल टू क्या लगाऊंगा पी टू वी टू लगाऊंगा अब अपन को दे रखा है कि एस पर मोलर आयतन बाईस पॉइंट चार है मोलर वॉल्यूम एट एस टीपी ट्वेंटी टू पॉइंट फोर तो पहले प्रेशर कितना था मैंने कहा P था वॉल्यूम कितना था 22.4 मोलर वॉल्यूम है ये कितना है मोलर वॉल्यूम तो सुनिएगा बात को अपने पास मोल कितना है एक मोल का फॉर्मूला बताया था अगर आपको याद आ रहा हो तो तीन इक्वल किए थे फर्स्ट लेक्चर के अंदर मास अपॉन मोलर वेट या मोलिकुलर वेट वॉल्यूम डिवाइड बाई ट्वेंटी टू पॉइंट फोर ठीक है इस वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये थ्री पॉइंट टू है डाई ऑक्सीजन का मोलर मास थर्टी टू होता है वॉल्यूम कैलकुलेट करना है ट्वेंटी टू पॉइंट फोर ये वन बाई टेन तो वॉल्यूम आ जाएगा टू पॉइंट टू फोर लीटर इसका मतलब 3.2 ग्राम डाई के करस्पॉन्डिंग जो वॉल्यूम आएगा वो 2.24 लीटर आएगा वैल्यू पुट करते हैं 2.24 लीटर था प्रेशर 1/3 हो गया तो P बाई थ्री इन वॉल्यूम V2 P से P कैंसिल आउट हो जाएगा V2 आ जाएगा 6.72 लीटर 6.72 लीटर थर्ड इज द करेक्ट आंसर ये लो पी वी इक्वल टू तो एन आटी बोल सोलो ही लगा है हाँ यूज इसमें इसका हुआ है मूल में जो फॉर्मूला बताया था उसका यूज करना है ओके okay, फिर यहां पी वन वी वन इक्वल टू पी टू वी टू में वैल्यू पुट कर दीजिएगा आंसर आ जाएगा ओके okay, कोई दिक्कत नहीं लगा तो वही है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया थर्ड नंबर क्वेश्चन पे इक्वल मासेज ऑफ एच टू ओ टू एंड मिथेन टेकन इन ए कंटेनर ऑफ वॉल्यूम वी एट ए टेम्परेचर ट्वेंटी सेवन डिग्री सेल्सियस इन आइडियल कंडीशन द रेशियो ऑफ दॉल्यूम ऑफ द गैसेज एच टू ओ टू मिथेन वुड बी समान द्रव्यमान में एच टू ओ टू और मिथेन के को एक आयतन V के पात्र में 27 डिग्री सेल्सियस पर समान परिस्थितियों में लिया गया है अंडर आइडेंटिकल कंडीशन का मतलब टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन क्या रखनी है आपको सेम रखनी अगर टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन सेम है तो उस कंडीशन में वॉल्यूम डायरेक्टली प्रपोजनल टू किसके होगा नंबर ऑफ मोल्स के तो एक काम करते हैं इनके मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं इक्वल मास बोल रहा है तो डब्लू ग्राम ले लीजिएगा ये लो डब्लू मोल कितने हो गए हाइड्रोजन के टू W डिवाइड बाई थर्टी टू डिवाइड बाई सिक्सटीन इनका रेशियो लेना है ये लो रेशियो W से W सारा कैंसिल आउट हो गया एल्सियम थर्टी टू आएगा तो अगर थर्टी टू आया तो इसका मतलब ये हो जाएगा सिक्सटीन ये आ जाएगा टू सिक्सटीन रेस टू वन रेस टू टू ओके है सिक्सटीन रेस टू वन रेस टू टू इसका थर्ड इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर फोर नीट 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है 374 डिग्री सेल्सियस तथा एक बार दाब पर 1.8 ग्राम जल वाष्प द्वारा मैंने वहां पे भी बोला था वाटर वेपर लिखा हुआ होता है इसका मतलब गैस है द्वारा घिरा गया आयतन क्या होगा आर की वैल्यू दे रखी है दी वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1.8 ग्राम ऑफ वॉटर वेपर एट थ्री डिग्री सेल्सियस एंड वन बार प्रेशर पी इक्वल टू एन लगा लो ऑप्शन देख लीजिएगा 355596 ऑप्शन दूर है रफली कैलकुलेशन चला लेंगे वन बार प्रेशर दे रखा है वॉल्यूम पता करना है नंबर ऑफ मोल्स 1.8 ग्राम अपॉन मोलर मास 18 आर की वैल्यू 1/12 रखूंगा टेंपरेचर 374 में 273 अगर आप ऐड करते हैं तो 647 आता है ये लो ओके यहां तक ये तो पॉइंट 1 आ गया 64.7 डिवाइड बाय 12 अब आपको पता है पांच बार तो जाएगा ही जाएगा इसका मतलब 5 लीटर वाला आंसर है ये लो अब इसे सॉल्व नहीं करें वहां पे ओके है? ये सिंपल सा क्वेश्चन बन गया pv nrt जो मैंने सबसे पहले इक्वेशन बता दी अब यहां पे 0.083 नहीं लेके आप 1/12 ले लीजिएगा आंसर आसानी से बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 नीट 2022 का क्वेश्चन है इस साल का टेन लीटर फ्लास्कटे ग्राम ऑफ द्वेंटी सेवन डिग्री में सत्ताइस डिग्री सेल्सियस पर ऑक्सीजन के सिक्सटी फोर ग्राम है करेगा, आप लगा सकते हो बार में फ्लास्क के अंदर का दाप क्या होगा लगा लो पीवी इक्वल टू एनआरटी ये लो प्रेशर आपको कैलकुलेट करना है, आ गया, 64 है तो 64 फोर अब यहां पे गलती क्या हो जाती है, वो लिखा हुआ है तो मोलिकूल के फॉर्म में रहेगा मोनो को छोड़ दिया जाए हीलियम नियोन आर्गन क्रिप्टोन जी रेडोन को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सारी गैसेज होती है वो मोलिक्यूल के फॉर्म में ऑक्सीजन बोला तो ओ कंसीडर करें न कि ओ नाइट्रोजन बोला है है तो N2 करें, न की ठीक डिवाइड गया वैल्यू रखना है, 27 का मतलब 300 हो गया में वॉल्यूम वॉल्यूम लिख देता कितना है टू टाइम्स ये कैंसिल आउट हो गया ट्वेंटी डिवाइड बाई टेन पांच लीटर आएगा सॉरी पांच बार आएगा प्रेशर तो पांच बार के आसपास वाला ऑप्शन है फोर पॉइंट

प्रेशर आपको बार में रखना है या एटीएम में रखना तो आर की वैल्यू वैल्यून बाई टू वन बाई ट्वेल्व ट्वेल लिखते हो तो यूनिट अगर आपको पता है तो मैंने जब सबसे पहले आपसे डिस्कस किया था जब आप ये रखोगे तो ये यूनिट आएगा लीटर में इसका मतलब अब डेंसिटी जो बनेगी वो किस में बनेगी ग्राम पर लीटर में बनने वाला है किस में बनेगा ग्राम पर लीटर में बनेगा ठीक है और यूनिट क्या दे रखी है ग्राम पर एम बस ये ध्यान रखना है लीटर में आएगा उसे एम में कन्वर्ट कर लेंगे चलो आओ बात करते हैं. डी इज इक्वल टू प्रेशर पांच का ठीक है मोलर मास का की वैल्यू वन बाई ट्वेल्व टेम्परेचर कितना दे रखा है टू ट्वेंटी सेवन डिग्री सेल्सियस टू ट्वेंटी सेवन हो गया फाइव हंड्रेड ठीक है पांच से ये कितनी बार कैंसिल आउट हो गया सो ट्वेंटी एट इंटू ट्वेल्व डिवाइड बाई हंड्रेड मल्टीप्लाई करो 96 का 6 9 ठीक है ये आ गया ये आया ग्राम पर लीटर में ठीक है ये सारी यूनिट चेंज कर लेना ये यूनिट ग्राम पर लीटर की थी सारी ये यूनिट मिसप्रिंट हो गया ग्राम पर लीटर तो 3.36 ग्राम पर लीटर होना चाहिए तो ये लीजिएगा थर्ड इज द करेक्ट आंसर अब ये डिफरेंस क्यों आया ये तो समझ में आ गया ना क्यों आर की वैल्यू अपन ने कितना कंसीडर किया वन बाई होना कितना चाहिए था ट्वेल्व पॉइंट एटीन या नाइनटीन तो ये ऊपर तो जाता तो वैल्यू बढ़ के ही आता तो थ्री पॉइंट थ्री सिक्स से वैल्यू बढ़ के आएगा थ्री पॉइंट फोर वन ग्राम पर लीटर है नॉट एम एल ये सारी यूनिट लीटर में लिख लेना ओके चले आगे नेक्स्ट यहां से नीट दो हजार बाईस का क्वेश्चन ये देख लीजिएगा गैस से रिलेटेड सेकंड नंबर क्वेश्चन आया है क्वेश्चन और आ चुका था ऑक्सीजन वाला जिसमें अपने प्रेशर कैलकुलेट किया था फाइव एटीएम वाला यहां पे देखिएगा डोल्टन स्लो पार्सियल प्रेशर दो पॉइंट पे बात कर लेते हैं पहले उसके बाद जो है वो अपन डोल्टन स्लो से रिलेटेड क्वेश्चन पे बात करते हैं डोल्टन स्लो पार्सियल प्रेशर सबसे फर्स्ट नंबर पॉइंट पे बात करें नॉन रिएक्टिंग गैसिय मिक्सचर के लिए एप्लीकेबल है नॉन रिएक्टिंग गैसियस मिक्सर क्यों होता है ये भी अभी समझा देंगे फर्स्ट ऑफ थिंग डॉल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर जो है वो किसके लिए वैलिड है नॉन रिएक्टिंग के लिए वैलिड है पार्शियल प्रेशर वर्ड क्या है पार्शियल प्रेशर इसका क्या मतलब होता है पार्शियल प्रेशर का अगर किसी रूम के अंदर या किसी कंटेनर में एक सिंगल गैस रखा जाए किसी कंटेनर में एक सिंगल गैस रखा जाए तो वो जितना प्रेशर एग्जर्ट करेगा एक सिंगल कंटेन, एक सिंगल कंटेनर के अंदर या एक रूम के अंदर एक सिंगल गैस रखा जाए जितना प्रेशर वो अकेली गैस एग्जर्ट करता है उसी को क्या बोला जाता है उसका पार्शियल प्रेशर ठीक है इस रूम के अंदर एक सिंगल गैस हाइड्रोजन रख दिया वो प्रेशर कितना एग्जट करेगा प्रेशर कैसे एग्जेट करेगा गैस का मोलिक्यूल जाके दीवार से टकराएगा दीवार से टकराएगा तो उसका मोमेंटम चेंज होगा चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड जो होगा वो फोर्स होगा फोर्स पर यूनिट एरिया जो होगा वो क्या होगा प्रेशर होगा ठीक तो है तो जब गैस का मॉलिक्यूल दीवार से टकराता है तो प्रेशर एग्जर्ट करता है एक सिंगल गैस अगर कंटेनर में रखा जाए तो जितना प्रेशर एग्जर्ट करेगा उसी को आंशिक दाब या पार्शियल प्रेशर बोला जाएगा ओके आप तो ये सोचो प्रेशर है

अगर मैं दो गैस लेके बात करूं तो टोटल प्रेशर जो होना चाहिए वो उनके पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर होगा पी ए प्लस पीबी मैंने कहा इसमें हाइड्रोजन गैस रखा उसका प्रेशर दो एटीएम था हाइड्रोजन हटाया ऑक्सीजन रखा या फिर एक गैस ए था जिसका प्रेशर टू एटीएम था ए हटाया बी रखा उसका प्रेशर थ्री ए था जब ए और बी दोनों को एक साथ रख देता हूं उस कंडीशन में टोटल प्रेशर कितना होगा तो मैंने कहा दो प्लस तीन पांच के बराबर होगा गैस ने रिएक्ट नहीं किया रिएक्ट नहीं किया तो गैस के मोल चेंज नहीं हुए और मोल चेंज नहीं हुआ तो उसका प्रेशर भी चेंज नहीं हुआ पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है एन ए आर टी वॉल्यूम उसी कंटेनर में ही तो रखा हुआ है एन बी आर टी लो अब एक काम कर सकता हूं मैं पहला स्टेटमेंट ये हो गया दूसरा ये हो गया, अगर आपको ले लोगे, तो NA NB आ जाएगा। जब मैं डिवाइड करता हूं पी ए अपॉन पी टोटल को तो इसका मोल तो आएगा एन ए और इसमें आ जाएगा टोटल मोल सेल्फ मोल डिवाइड बाई टोटल मोल इट इज द मोल फ्रैक्शन एक्सई तो एक बात बताओ पी ए किसके बराबर आ गया पी टोटल मल्टीप्लाई बस ये बन गया न्यूमेरिकल भी सारे यहां से हो जाएंगे क्यों लेते हैं ये बता दिया कुछ ध्यान रखना है नॉन रिएक्टिंग गैसेस मिक्सचर के बारे में एन टू प्लस ओ टू के लिए डोल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर वैलिड है एन टू और कंडीशन में एच टू एन ओ टू भी रिएक्ट नहीं करता है ऑर्डिनरी कंडीशन में H2 and O2 भी अमोनिया प्लस एच रिएक्ट करेगा तो डोल्टन स्लो पार्शियल प्रेशर वैलिड नहीं है SO2 टू प्लस सी एल रिएक्ट करता है तो डोल्टन स्लो पार्शियल प्रेशर वैलिड नहीं है H2 टू प्लस सी एल रिएक्ट करता है तो डोल्टन स्लो पार्शियल प्रेशर वैलिड नहीं है ओके okay? अब आइएगा क्वेश्चन पे क्या कहता है बस थ्योरिटिकल पॉइंट इतना ही ध्यान रखना है आपको जो मैंने बोले क्या कह रहा है न इज नॉट करेक्ट मैथमेटिकल इक्वेशन फॉर डोल्टन लो पार्सियल प्रेशर हियर पी इज इक्वल टू टोटल प्रेशर ऑफ दिक्सर डॉल्टन के आंशिक दाब के नियम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय समीकरण सही नहीं है जहां पी गैसियम मिश्रण का क्या है कुल दाब है ठीक है आप. अभी मैंने लिखा था ना एन ए आर टी बाई वी प्लस एन बी आर टी बाई वी तो ये तो सही है ट्रू है सेकेंड नंबर

p इज़ इक्वल p1 plus p2 plus p3 ये काम करो ये जो है ना वो ऐसे लिखा हुआ होना चाहिए था ये ऊपर वाले टर्म्स के लिए p नॉट प्योर स्टेट में दे रखा है तो ये तो डाल्टन स्लो का स्टेटमेंट है ये ट्रू है आपको पता है ये थर्ड वाला फॉल्स हुआ है थर्ड वाला ये कह रहा है pi जो है वो होता है xi pi नॉट अरे भैया ये डाल्टन स्लो नहीं है ये किसका है राउल्ट लॉ का स्टेटमेंट है राउल सोलो में अपन क्या कहते हैं वेपर प्रेशर जो होता है पी ए वो होता है पी टोटल मल्टीप्लाई बाय एक्स ए के बराबर होता है जहां पे एक्स ए जो है उसका लिक्विड स्टेट के अंदर वेपर लिक्विड स्टेट के अंदर उसका मोल फ्रैक्शन है किसका ए का तो ये तो राउल सोलो का स्टेटमेंट है नॉट डोल्टन स्लो तो पहला सही है दूसरा सही है फोर्थ सही है इनकरेक्ट पूछा है थर्ड इज द इनकरेक्ट ओके क्वेश्चन नंबर एट नीट दो में तो ट कर लीजिएगा एन टू का मूल एक ऑप्शन और हो जाता तो सॉल्व नहीं करना पड़ता अब सुनो मूल फ्रैक्शन लेता हूँ अपॉन टोटल मूल एलसीएम आएगा कितना ट्वेंटी तो यहां फोर प्लस फाइव तो यह आ गया फाइव बाई नाइन ठीक है कितना आ गया फाइव बाई नाइन पार्शियल प्रेशर ऑफ एन टू टोटल प्रेशर ट्वेंटी सेवन इसका मूल फ्रैक्शन इट इज अ फिफ्टीन बार फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर ये तो मैंने जब सोल्व किया तब एक मिनट लगा है आप जब करोगे उस समय इतना डिटेल में थोड़ी करोगे अपन तो फटाफट फड़ कर लेंगे वहां पे एग्जाम में ये तो मेरे को समझाना है आपको तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जो एक मिनट से ज्यादा का क्वेश्चन हो ठीक है क्वेश्चन 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 नंबर ये लो वापस गुशन, सेम गुशन है चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर टोटल प्रेशर इन एटीएम इन ए मिक्सर ऑफ फोर ग्राम ऑक्सीजन एंड टू ग्राम हाइड्रोजन कन्फाइन इन ए टोटल वॉल्यूम ऑफ वन लीटर एट जीरो डिग्री सेल्सियस एक लीटर आयतन में जीरो डिग्री सेल्सियस पर एक मिश्रण जिसमें चार ग्राम ऑक्सीजन दो ग्राम हाइड्रोजन ठीक है ली गई हो उसका कुल दाब तो एक सिंपल सी बात है एच और ओ रिएक्ट करेगा नहीं तो टोटल प्रेशर जो होगा एच का मूल प्लस ओ का मूल इन आर टी अपॉन वॉल्यूम ये डोल्टन स्लो का ही तो स्टेटमेंट है हाइड्रोजन का मूल वन हो गया ऑक्सीजन का फोर डिवाइड बाई थर्टी टू हो गया इसको आप लिखना चाहो तो टू डिवाइड बाई टू आर की वैल्यू वन बाई ट्वेल्व ले लीजिएगा ठीक है मल्टीप्लाई बाई टू सेवेंटी थ्री अपॉन वॉल्यूम वन लीटर है ये। कितना हो गया? एट बाई बाई एट, नाइन मल्टीप्लाई बाई टू सेवेंटी थ्री अपॉन ट्वेल्व ठीक है ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ये थ्री हो गया ये फोर हो गया नाइन वन एट ठीक है थर्टी टू थर्टी टू का डबल सिक्सटी फोर पीछे बज गया कितना सेवनटीन 17, वन नाइन का मतलब पांच बार जाएगा ठीक है वन सिक्सटी तो ये पीछे बज गया ये ये बज गया ट्वेंटी फाइव पॉइंट कितना हो जाएगा ट्वेंटी फाइव पॉइंट सिक्स है ना ये हाईएस्ट वैल्यू है आई थिंक ठीक है ये वैल्यू कितनी है हाईएस्ट और अगर अपन चाहे तो यहां पे वैल्यू अगर आपको लग रहा है ट्वेंटी फाइव पॉइंट सिक्स की नियरेस्ट गया है तो आप एक काम कर लीजिएगा नाइन बाई एट इंटू वन बाई ट्वेल्व की जगह पर जीरो पॉइंट जीरो एट टू वन इंटू टू सेवेंटी थ्री कर लीजिएगा ये करके देख लीजिएगा आपको समझ में आ जाएगा ये मल्टीप्लाई कर ले आप सबसे पहले है ना ये मल्टीप्लाई करके देख ले एक बार तो ये ऑलमोस्ट जो है वो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 25.180 आएगा तो सेकंड इज द करेक्ट आंसर मैंने यहाँ पे बोला ये वैल्यू इससे कम आएगी क्योंकि यहाँ पे 12.19 होगा तो वैल्यू कम की तरफ जा रहा है तो कम की तरफ जाएंगे तो इसका वाला आंसर सेकंड होगा ना कि थर्ड ठीक है चले आगे हां जी अब यहाँ पे जो क्वेश्चन दे रखा है एज ए डिफ्यूजन की तरह दे रखा है उससे रिलेटेड भी बात कर लेते हैं सबसे पहले बात करते हैं डिफ्यूजन होता क्या है उसके बाद रेट ऑफ डिफ्यूजन वगैरह पे आता मैं डिफ्यूजन का सिंपल सा मीनिंग ये होता है एक अगर एग्जाम्पल के थ्रू बोलूं तो अगरबत्ती को एक कॉर्नर में जलाया जाए और उसका धुआं पूरे रूम में अगर फैल जाता है तो इसी को क्या बोला जाता है डिफ्यूजन बोला जाता है इसका मतलब किसी भी सब्सटेंस का जितना स्पेस अवेलेबल है उसको ऑक्यूपाई करने की जो टेंडेंसी होती है उसी को क्या बोला जाता है डिफ्यूजन कोई भी पदार्थ जो है वो जितना भी स्पेस अवेलेबल है उसको क्या करेगा ऑक्यूपाई करने की टेंडेंसी रखता है उसी को अपन बोलते हैं डिफ्यूजन या विसरण बोलते हैं ठीक है सबसे ज्यादा रेट ऑफ डिफ्यूजन गैस में होगा गैस पूरे के पूरे रूम को ऑक्यूपाई कर लेगा एक लीटर पानी उसको अगर फर्श पे गिराओगे तो फैलेगा तो सही क्या पूरा रूम बढ़ जाएगा क्या नहीं तो इसका मतलब क्या हुआ गैस की रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा फिर लिक्विड की और सबसे कम सॉलिड की अब इसको रखा तो सॉलिड है ना तो ऐसा थोड़ी ना कि अब इसको रखते ही जो है वो ये पूरा जितना स्पेस ऑफ स्पेस अवेलेबल है उसको ऑक्यूपाई कर लेगा कर ही नहीं पाएगा ठीक है तो सबसे ज्यादा रेट ऑफ डिफ्यूजन किसकी होती है गैस में फिर लिक्विड और सबसे कम सॉलिड में ओके रेट ऑफ डिफ्यूजन के तीन फॉर्मूले होते हैं डिस्टेंस ट्रेवल बाई द गैस अपॉन टाइम वॉल्यूम डिफ्यूज ऑफ द गैस अपॉन टाइम नंबर ऑफ मोल्स डिफ्यूज अपॉन टाइम ये तीन फॉर्मूले होते हैं ग्राम स्लो ऑफ डिफ्यूजन रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होता है वो होता है, के, या फिर के, तो एम टू बाई एम वन के बराबर आएगा ये एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे बात है ओके okay? बस इतना ध्यान रख लेना आपका काम हो जाएगा ठीक है डिफ्यूजन से रिलेटेड आओ। इक्वल मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेज आर प्लेस्ड इन ए कंटेनर विथ ए पिन होल थ्रू विच बोथ कैन एस्केप वॉट फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन एस्केप इन दाइम रिक्वायर्ड फॉर वन हाफ ऑफ हाइड्रोजन टू एस्केप हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन गैसों के समान मूलों की एक पात्र में रखा गया है जो कि एक सूक्ष्म छिद्र के द्वारा प्लाइन कर सकते हैं हाइड्रोजन के आधे प्लाइन में लगे समय में ऑक्सीजन का कितना अंश प्लाइन करेगा एक काम करते हैं इसने बोला है कि इक्वल मोल थे दोनों के एन और एन थे तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन टू रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन की अगर बात करें तो मोलर मास ऑफ ओ टू मास ऑफ एच टू आएगा यहां पे अगर वैल्यू पुट करें तो थर्टी टू डिटीन का स्क्वायर रूट फोर आएगा पे डिफ्यूज मोल होते हैं कितने मोल होते हैं डिफ्यूज मोल तो हाइड्रोजन का कितना मोल डिफ्यूज हो गया एन बाई टू टाइम लगा टी. इसका कितना हुआ होगा मैंने कहा एन होगा अपॉन में टाइम लगा टी इट इज इक्वल टू फोर टी से टी हो गया कैंसिल तो यहां से एन डैस इक्वल टू एन बाई एट इसका मतलब वन बाई एट फ्रैक्शन जो है वो क्या हो गया डिफ्यूज हो गया ठीक है, फ्रैक्शन ऑफ दी ऑक्सीजन होने वाले है, ओके? यहां से स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन में रियल गैस की तरफ एंट्री हुई है। आइडियल गैस वो होता है जो पीवी इक्वल टू एनआरटी को फॉलो करता है रियल गैस वो होता है जो पीवी इक्वल टू एनआरटी को फॉलो नहीं करता फर्स्ट ऑफ दि ठीक है रियल गैस वो है इक्वल टू एनआरटी को फॉलो करे वो तो है आइडियल और जो PV is not equal to NRT को follow करे वो है पीवीलो करेंड नंबर का रीजन क्या होता है क्यों गैस जो है वो आइडियल गैस की तरफ बिहेव नहीं करता है आपने जब के टीजीशन किया था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का तो आपने वहां पे दो फॉल्टी एजुमशन कर लिया था कौन से दो फॉल्टी एजुम्शन एक तो आपने बोला था वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल इन कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम गैस अणुओं का आयतन नगड़ नहीं होता है सेकेंड नंबर आपने बोला था देर इज नो इंट्रैक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल गैस अणुओं के बीच में किसी भी प्रकार का इंट्रैक्शन नहीं होता है कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगता है ये दोनों एजुमशन फॉल्टी है अगर गैस के बीच में कोई भी इंट्रेक्शन नहीं होता है, गैस मॉलिक्यूल के बीच में तो कभी गैस लिक्विफाई नहीं होता है. लेकिन गैस लिक्विफाई होता है इसका मतलब गैस के मॉलिक्यूल के बीच में इंटरक्शन प्रेजेंट है फर्स्ट ऑफ थिंग नंबर जब गैस के के बीच में इंटरेक्शन है और जब आप उसे कंप्रेस करते हैं तो उस समय कुछ न कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है वो लिक्विड बनने के बाद इसका मतलब गैस मॉलिक्यूल का कुछ न कुछ साइज तो था तो दो रीजन है डेविएशन के फर्स्ट साइज ऑफ गैस मॉलिक्यूल सिग्निफिकेंट होता है साइज ऑफ गैस मॉलिक्यूल सिग्निफिकेंट है ये लो सेकेंड नंबर अगर अपन बात करें इंट्रेक्शन प्रेजेंट है ये लो, भी क्या है, प्रेजेंट है ओके थर्ड नंबर अब अगर डेविएशन हो गया है तो डेविएशन का मेजरमेंट किससे करें तो डेविएशन का मेजरमेंट करने का तरीका है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड Z इज द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होता है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर वो भी बात कर लेते हैं

रिपल्सिव फोर्स है तो लिक्विफेक्शन टेंडेंसी जो होगी वो क्या होगी कम होगी यहां पे देखना मोलर वॉल्यूम ऑफ रियल गैस कम होगा मोलर वॉल्यूम ऑफ आइडियल ज्यादा है आइडियल ज्यादा इसका मतलब रियल गैस में मॉलिक्यूल पास में आगे पास में आगे इसका मतलब कौन सा फोर्स डोमिनेंट हुआ अट्रैक्शन का ये लो और लिक्विफेक्शन टेंडेंसी फिर क्या हो जाएगी ज्यादा हो जाएगी

गैस तथा इसकी संप्रियता गुणा अगर रियल गैस का वॉल्यूम कम आ रहा है तो ये लो अट्रैक्शन का फोर्स डोमिनेंट होगा Z लेस देन वन होगा Z लेस देन वन Z लेस देन वन ये दो होंगे ये दो तो गलत हो गए अट्रैक्शन का फोर्स होना चाहिए ये लीजिएगा फर्स्ट बहुत एलिमेंट्री से क्वेश्चन है जो ये थ्योरटिकल पॉइंट बताए जाते हैं क्लास वगैरह में उन्हीं से रिलेटेड अब अगर बाई चांस आपने कोई क्लास ले ही नहीं रखा है ओनली फोर जो है वो एक बार पढ़ रखा है अब इसी के थ्रू आप अपने आप को इम्प्रूव करना चाह रहे हो तो जो पॉइंट काम के वो मैंने लिख दिए समझा दिए आपको ओके okay? आगे बात करें चलिए फैक्टर ए टू आइडियल गैस इक्वेशन करस्पोंड टू आदर्श गैस समीकरण में संशोधन गुणांक ए किससे संबंधित है इससे पहले अपन बात करते हैं आइडियल गैस इक्वेशन हो गया पीबी इक्वल टू टी उसी टाइप से रियल गैस के लिए भी कुछ इक्वेशन दे रखी है उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन जो है वो वंडरवल गैस इक्वेशन हैल गैस इक्वेशन है क्या है वरवल गैस इक्वेशन पी प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर एंड वी माइनस एन बी इक्वल टू एनआरटी ये लो nRT, ठीक है ये वॉन्डरवल गैस इक्वेशन एक्चुअल एक में आइडियल गैस क्यों नहीं बना तो मैंने उसके दो रीजन समझाए आपको एक तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस और सेकंड नंबर साइज ऑफ गैस मॉलिक्यूल

बी किसकी वजह से आया साइज ऑफ गैस मॉलिक्यूल की वजह से ठीक है अगर साइज ज्यादा है गैस मॉलिक्यूल की तो इसका मतलब बी भी ज्यादा होगा अगर आपसे पूछे प्रेशर करेक्शन का टर्म्स कौन सा हुआ तो मैंने कहा पहले प्रेशर होता क्या था पी और अब क्या आ गया ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर एक्स्ट्रा आया तो ये लो वॉल्यूम करेक्शन की टर्म्स कौन सी आ गई माइनस का एन बी ठीक है एक ए और बी की यूनिट पूछ सकता है जो आप फिजिक्स में भी पढ़ते हो यूनिट एंड डाइमेंशन में तो एक तो ये ध्यान रखना ए किसको रिप्रेजेंट करता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो बी किसको रिप्रेजेंट करता है साइज ऑफ गैस मॉलिक्यूल को बस आपको इतना सा ध्यान रखना है ठीक है ये जो वंडरवाल गैस इक्वेशन है ये अलग-अलग कंडीशन में अलग-अलग हो सकता है जैसे केस नंबर फर्स्ट आपने बोल दिया कि एट हाई प्रेशर पे आप बात कर रहे हो एट हाई प्रेशर आपको दिमाग में बस इतना सा ध्यान रखना जो हाई होता है उसके साथ लिखा हुआ नेगलिजिबल हो जाता है जो हाई होगा उसके साथ लिखा हुआ नेगलिजिबल प्रेशर हाई है तो इसके साथ लिखा हुआ ये नेगलिजिबल है तो इसको हटा दूं एक मोल के लिए लिख रहा हूं तो आरटी लिखूंगा फॉर वन मोल ठीक है pv is equal to rt pb कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो होता है वो pv डिवाइड बाय NRT होता है तो एन की वैल्यू 1 हो गया तो पीवी बाई आर टी जो होगा वो कंप्रेसिबिलिटी हो से डिवाइड कर दिया आपने ये लो बन गया इसका मतलब Z हाई प्रेशर पे कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो होता है वो एक से ज्यादा ठीक है केस नंबर सेकंड, एट लो प्रेशर प्रेशर लो है तो वॉल्यूम हाई हो जाएगा जो हाई होगा उसके साथ लिखा हुआ नेगलिजिबल हो जाएगा जेड कैलकुलेट करोगे तो वन माइनस ए अपॉन वी आर टी हो जाएगा Z वन से कम है इसका मतलब अट्रैक्शन फोर्स डोमिनेंट है Z अगर वन से ज्यादा है इसका मतलब रिपल्सिव फोर्स डोमिनेंट है ओके बात इतनी समझ में आ गई चले गई अब वापस उसी क्वेश्चन पे आते करेक्शन फैक्टर ए

तो एक बात ध्यान रखना जिसके लिए ए की वैल्यू ज्यादा होता है उसके लिए डेविएशन क्या होता है जादा। जितना जादा होगा, या, फिर जितना तो या तो गैस मॉलिक्यूल का साइज बहुत लार्ज हो तो डेविएशन होगा वो आइडियल नहीं होगा या फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो डेविएशन ज्यादा होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किससे आता है ए से आता है तो चेक कर लो ए की वैल्यू ए की वैल्यू जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह होती है उसमें ए की वैल्यू ज्यादा होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन चारों में अमोनिया में ज्यादा है तो ये आइडियल गैस से डेविएशन सबसे ज्यादा होगा क्वेश्चन नंबर फोर्टीन अभी मैंने बोला है गिवन वॉन्डरवॉल कॉन्स्टेंट फॉर एन एस थ्री एच टू ओ टू एंड सीओ टू आर विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज मोस्ट इजीली लिक्विफाइड अमोनिया एच टू ओ टू तथा सीओ टू के लिए वॉन्डरवॉल इस तिरंग दे रखे

500 केल्विन विच गैस विल लिक्विफाई फर्स्ट क्रिटिकल टेम्परेचर दे रखे हैं चार गैस सिलेंडर जिसमें ये गैसें भरी हुई है प्रत्यक रूप से 500 सौ ताप से धीरे धीरे ठंडा किया गया है लिक्विफेक्शन की कंडीशन दो होती है गैस को लिक्विफाई करना है तो इसका मतलब मोलिक्यूल पास में लाने पड़ेंगे मोलिक्यूल पास में दो तरीकों से आ सकता है लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर ओके लो टेम्परेचर हाई प्रेशर पर्टिकुलर टेम्परेचर से एक एबो टेम्परेचर पे गैस लिक्विफाई नहीं होती है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर पे गैस लिक्विफाई नहीं होती है. उस टेम्परेचर का नाम होता है क्रिटिकल टेम्परेचर इसका मतलब जब टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से बराबर या उससे कम हो तो गैस लिक्विफाई हो जाएगी और प्रेशर जो होना चाहिए वो क्रिटिकल प्रेशर से जाता होना चाहिए ये कंडीशन है a, 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 के। Sorry, a, के। तो जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा वो गैस इजीली लिक्विफाई हो जाएगी क्रिटिकल टेम्परेचर क्रिटिकल टेंचर क्रिटिकल टेम्परेचर अमोनिया का सबसे ज्यादा तो ये आसानी से लिक्विफाई हो जाएगी ये 15 क्वेश्चन देख लीजिएगा सारे जो कॉन्सेप्ट मैंने बता दिए एग्जाम से रिलेटेड इसके बाद लास्ट क्वेश्चन दे रखा है केसेस स्टेट का उसके बाद थर्मोडाइमिक्स के क्वेश्चन है ए गैस सच एज कार्बन मोनोऑक्साइड वुड बी मोस्ट लाइकली टू द आइडियल गैस लो ए गैस जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड आदर्श गैस नियम का पालन सर्वाधिक किस दशा में करेगा ठीक है कोई भी रियल गैस जो है वो आइडियल गैस तब बनेगी ये देखिएगा अगर मैं टेम्परेचर यहाँ पे बहुत ज्यादा कर दूं मैक्सिमम कर दूं मीन्स इनफाइनाइट की तरफ लेके चला जाऊं तो जैसे ही टेम्परेचर इनफाइनाइट करूंगा तो ये वाली टर्म जीरो और जेड वन जेड वन होते गैस क्या बन जाएगा आइडियल तो एक तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा रखे टेम्परेचर बहुत ज्यादा रखे प्रेशर बहुत कम रखो अगर प्रेशर टेंस टू जीरो हो जाएगा तब भी तो ये टर्म जीरो हो सकती है अगर प्रेशर टेंस टू जीरो होगा तो वॉल्यूम टेंस टू इनफाइनाइट होगा वन अपॉन इनफाइनाइट होते ही ये क्या हो जाएगा पूरा टर्म्स जीरो तो इसका मतलब कंडीशन जो होनी चाहिए रियल गैस से आइडियल एक तो टेम्परेचर हाई हो या फिर प्रेशर लो हो वॉल्यूम हाई हो या फिर ए बी जीरो बी बी जीरो, ये चार कंडीशन है देख लीजिएगा हाई टेम्परेचर लो प्रेशर कौन सा आंसर हो गया फोर्थ इज द करेक्ट आंसर ओके सोलह क्वेश्चन जो है लास्ट टेन ईयर में आए हुए किससे रिलेटेड स्टेट से रिलेटेडेज okay? देखे तो हर साल लगभग लगभग दो क्वेश्चन आ रहे हैं okay? ओके अब अपन चर्चा करते हैं थर्मोडाइनमिक्स का आइए हा सीएलसी जो है वो टू थाउजेंड थर्टी ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर के लिए ये बैच का अनाउंसमेंट कर रही है टारगेट कोर्स है छः अप्रैल से ट्वेल्थ पास वालों के लिए ठीक है जो जिनको लगता है कि हमने स्कूलिंग की है ठीक है हमारी तैयारी ढंग से नहीं है तो हम नीट के एग्जाम तक वेट नहीं करें उनके लिए छः अप्रैल से सारे बैच छः अप्रैल से फाउंडेशन कोर्स इलेवंथ और ट्वेल्थ का इलेवंथ वाले में वो बैच ज्वाइन कर सकते हैं जो टेन्थ से अभी इलेवंथ में आ रहे हैं ट्वेल्थ का जो इलेवेंथ से ट्वेल्थ में टू इन वन कोर्स इसके अंदर इलेवंथ ट्वेल्थ दोनों एक साल में एक ही फीस में पढ़ाए जाएंगे ठीक है

नेक्स्ट टेस्ट फिजिकल का ही है इसमें आपकी ये काम आ जाएगा सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री करवा दिया एटोमिक मैंने करवा दिया ठीक है रेडोक्स आपका हो गया गैसेस स्टेट और थर्मोडाइनेमिक्स वाला पार्ट हो जाएगा आज वाले लेक्चर में और ये अपलोड हो जाएगा मतलब चार तारीख को मतलब कल अपलोड हो जाएगा तीन तारीख वाले में ठीक है तो कल आपके लिए काम आ जाएगा ठीक है केमिकल आयोनिक इक्विलिब्रियम बचेगा बस ओके यहाँ से थर्मोडाइनेमिक्स थर्मोकेमिस्ट्री स्टार्ट हो रही है आइए चर्चा करते हैं इस पर थर्मोडाइनेमिक्स थर्मोकेमिस्ट्री से, से रिलेटेड फर्स्ट नंबर क्वेश्चन सेवनटीन नंबर क्वेश्चन पे आ रहे हैं इससे पहले मैं आपको बता देता हूं थर्मोडाइनेमिक्स का जो बेसिक स्कोप जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट ये है थर्मोडाइनेमिक्स पढ़ने के बाद आप ये बता सकते हो कोई भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नहीं है ठीक है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है सेकेंड नंबर अगर अपन बात करें तो थर्मोडाइनमिक्स के अंदर तीन वर्ड आने वाले हैं। एक तो है हीट क्यू हीट एंड वर्क जो है वो मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है दोनों जो है वो मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है ये खुद एनर्जी नहीं है जब सिस्टम एक मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी जब सिस्टम एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जाता है तभी ये इंट्रोड्यूस होगा कौन क्यू और डब्ल्यू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स के बारे में ध्यान रखें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू होता है ठीक है क्यू के साइन के बारे में अगर बात करें तो अगर एंडोथर्मिक है इसका मतलब हीट एब्जॉर्ब हुआ है तो प्लस आएगा एक्सोथर्मिक है तो हीट रिलीज हुआ तो नेगेटिव सीधा सा बात यह है अगर सिस्टम का एनर्जी कंटेंट अगर डिक्रीज होता है तो इसका मतलब साइन नेगेटिव लेना है अगर सिस्टम ने हीट बाहर फेंकी है तो उसका एनर्जी कंटेंट कम हुआ है ना हीट बार फेंकी एक्सोथर्मिक है तो नेगेटिव आएगा वर्क डन का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन माइनस पी एक्सटर्नल डीवी ठीक है दो प्रोसेस होते हैं रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिवर्सिबल प्रोसेस में पी एक्सटर्नल और पी गैस ऑलमोस्ट सेम होते हैं इरिवर्सिबल में पी एक्सटर्नल जो होता है वो पी गैस के बराबर नहीं होता है प्लस माइनस डेल्टा पी होगा ठीक है लेकिन एक्सटर्नल प्रेशर कॉन्स्टेंट रहता है अगर कॉन्स्टेंट रहता है उस दो तरीके अगर एक्सपेंशन हो रहा है तो डन नेगेटिव क्यों पिस्टन को अगर मैं ऊपर की तरफ धक्का लगाऊंगा तो मेरा एनर्जी कंटेंट कम होगा तो नेगेटिव कंप्रेशन हो रहा है तो उस कंडीशन में पॉजिटिव कंप्रेशन में कैसा आएगा पॉजिटिव बस ये बातें ध्यान रखनी आपका काम हो जाएगा इंटरनल एनर्जी जो होता है आइडियल गैस के लिए फॉर आइडियल गैस के लिए ओनली फॉर किसका फंक्शन होता है ओनली फंक्शन ऑफ टेम्परेचर किसका फंक्शन होगा टेम्परेचर का फंक्शन होता है ओके okay. बस ये ध्यान रहे आपको ठीक है आइए अब एक एक करके टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड अपन क्वेश्चन की बात करते हैं क्यू एनडबू जो होते हैं वो कैसे फंक्शन होते हैं पाथ फंक्शन होते हैं क्योंकि ये पाथ के ड्यूरेशन में डिफाइन होते हैं स्टेट फंक्शन जिनकी वैल्यू ओनली फोर किसके ऊपर डिपेंड करती है पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करके इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर कौन कौन से होते हैं प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर इंटरनल एनर्जी एमथेल गिवस एनर्जी एंड एंट्रोपी ये जो है वो क्या है स्टेट फंक्शन है ओके okay? आइए सबसे पहले क्वेश्चन पे बात करते हैं ए गैस इज अलाउड टू एक्सपैंड इन ए वेल इंसुलेटेड कंटेनर अगेंस्ट ए कॉन्स्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 2.5 पॉइंट फाइव ए फ्रॉम एन इनिशियल वॉल्यूम ऑफ टू पॉइंट फाइव लीटर टू ए फाइनल वॉल्यूम ऑफ फोर पॉइंट फाइव लीटर द चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू ऑफ द गैस इन जूल विल बी ए गैस का उष्मा रोधी पात्र में

W कैलकुलेट कर लीजिएगा वही चेंज इन इंटरनल एनर्जी हो जाएगा W किसके बराबर माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा भी माइनस का 2.5 पॉइंट वॉल्यूम फोर पॉइंट माइनस टू पॉइंट का फाइव एम लीटर ये डेल्टा यू हो जाएगा अब दिक्कत कहां पे वो बताते हूँ अपना आंसर एटीएम लीटर में आया ये पूछ रहा है जूल में वन एटीएम लीटर जो होता है वो वन हंड्रेड वन पॉइंट थ्री झूल होता है और वन बार इन टू लीटर जो होता है वो हंड्रेड जूल होता है तो ऑलमोस्ट जो है वो माइनस का फाइव मल्टीप्लाई बाई वन जीरो वन पॉइंट थ्री ये आ जाएगा कितना इसका नियरेस्ट आंसर होगा सेकंड इज द करेक्ट आंसर ओके जो मैंने पीछे टर्मिनोलॉजी लिखी है उसी से इंसुलेटेड है इसका मतलब हीट का एक्सचेंज नहीं करेगा क्यू जीरो एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट है इरिवर्सिबल प्रोसेस है तो वर्क डन का फॉर्मूला ये होगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स अप्लाई कीजिएगा आंसर आ जाएगा ओके okay, नीट 2019 अंडर आइसोथर्मल कंडीशन ए गैस एट 300 केल्विन एक्सपांड फ्रॉम पॉइंट वन लीटर टू जीरो लीटर अगेंस्ट ए कॉन्स्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ टू बार दर्क डन बाई दी गैस समताप अवस्था में तीन सौ पर एक गैस दो बार के एक स्थिर दाब के विरुद्ध जीरो पॉइंट वन लीटर से जीरो पॉइंट टू फाइव लीटर तक करती है, द्वारा किया गया कार्य होगा सुनिए वर्क डन माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा भी, क्योंकि इसने बोला अगेंस्ट कॉन्स्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर टू बार पॉइंट टू फाइव माइनस जीरो पॉइंट वन पॉइंट फिफ्टीन 3, ये आ गया थर्टी जूल, तो जूल आंसर एन कोई रेफरेंस बुक वगैरह में जो है वो ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ नहीं है वहां पे सीधा ये लिखा होता है वर्क डन बताइएगा क्या होगा सीधा क्वेश्चन ये लिखता है इसने लैंग्वेज में क्वेश्चन लिखा वर्क दी वर्कडन बाई दी गैस इज डन बाई दैस इज तो इसका मतलब ये तो क्या ही रहा है ना कि वर्क डन जो है वो गैस कर रहा है इसका मतलब आपको ओनली क्या बताना है मैग्नीट्यूड बताना है और अगर मैग्नीट्यूड बताना है तो इसका आंसर फिर क्या होगा Second होगा अब आपको लग सकता है सर वर्क डन बाई गैस बोल ही रहा है तो नेगेटिव आना चाहिए जब लैंग्वेज में बोला जाए क्वेश्चन को कि हीट किज बाई गैस इज 50 जूल तो उस समय आप ऐसा लिखते हो हीट रिलीज बाई दैस माइनस फिफ्टी जूल नहीं लिखते हो ना तो वहां रिलीज होता है तब न्यूमेरिकल में वैल्यू पुट करते टाइम तो आप अपना माइनस लेते हो ना तो यहां पे जब इसने बोल ही दिया है कि वर्क डन बाई दी है तो जब इसका कहीं पे यूज करना होगा मेरे को उससे मैं साइन कंसिडर करूंगा ना अभी तो ओनली फॉर मैग्नेट्यूड भी बताऊ मेरी बात समझ में आ रही है कि ये पहली बार क्वेश्चन आया था ऐसा जिसमें वर्क डन बाई दी गैस लिखा हुआ है आप कहीं पे भी लैंग्वेज में जब क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आप ऐसा बोलते हो दीट रिलीज बाई सिस्टम इज फिफ्टी जूल वहां पे माइनस नहीं बोलते वर्क डन सिस्टम इज बोलतेड जूल वहां उसका यूज करेंगे किसी न्यूमेरिकल में तब जाके मैं माइनस का हंड्रेड जूल लिखूंगा तो इसका आंसर हुआ थर्टी जूल जो एन ने फाइनल आंसर दिया था ओके उसी के अकॉर्डिंग मैंने बोला है जब लैंग्वेज में बोल दिया क्वेश्चन अगर ऐसा होता, प्रोसेस तो वर्क डन इन दी प्रोसेस है तो फिर मेरे को बताना पड़ता कि माइनस साइन का मतलब कर कर रहा 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 है, है है, जब ये कह कि कर रहा है, तो अपन को क्या बताना है मैग्नीट्यूड बताना है क्वेश्चन नंबर यहां से देखिएगा अगर मैं पीवी का कोई ग्राफ बनाऊं तो एरिया अंडर दी कर्व जो होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा वर्क डन को तो रिप्रेजेंट करेगा तो, तो यहां पे चेक का, ग्राफ का जो है विच ऑफ तो कर्व रिप्रेजेंट मैक्सिमम वर्क डन तो वर्क डन किस में आ जाएगा फर्स्ट में एक ही क्वेश्चन आया था नीट दो हजार बाईस में ठीक है नीट दो हजार इक्कीस में Which one among the following इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर the राइट रिलेशनशिप बिटवीन सी पी एंड for फॉर वन मूल ऑफ ideal गैस कौन सा विकल्प एक मूल आदर्श गैस के लिए Cp एवं Cv के सही संबंध को व्यक्त करता है सुनिएगा तीन वर्ड होते एक तो होता है स्पेसिफिक हीट ठीक है इसको अपन लिखते हैं एक होता है हीट कैपेसिटी इसको ऊपर लिखते हैं सी से जनरली एक होता है मूलर हीट कैपेसिटी लिखते इसी को भी सी से लेकिन डिफ्रेंशियट करने के लिए मैंने इसको लिख दिया CM से जैसे मान लो एम का मतलब हीट कैपेसिटी। तीनों में टेम्परेचर वन डिग्री सेल्सियस या वन केल्विन बढ़ाना है यहां पे वन ग्राम का बढ़ाना है यहां पे वन मूल का बढ़ाना है इंक्रीज करना है और यहां पे कितना भी अमाउंट

c डेल्टा t या फिर एन सी एम डेल्टा t ये हीट कैपेसिटी जो होता है ना हीट कैपेसिटी ये होता है पाथ डिपेंडेंट पाथ फंक्शन होता है पाथ डिपेंडेंट होता है क्या होता है पाथ डिपेंडेंट होता है दो टाइप से हीट कैपेसिटी को डिफाइन कर सकते हैं अब आप कह रहे हो पाथ डिपेंडेंट है तो दो टाइप से डिफाइन कर सकता हूं एक तो होता है एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे तो हीट कैपेसिटी एट वॉल्यूम ही और एक होता है प्रेशर पे उसे बोला जाता है CP, ठीक है सी पी सीपी पी माइनस सीवी अगर एम लिख रहा हूं एम लिख रहा हूं तो आर होगा सीपी माइनस सीवी एन आर होगा इट इज द हीट कैपेसिटी इज द मोलर हीट कैपेसिटी एंड सीपी बाई सी बी जो होगा वो किसके बराबर होगा गामा के बराबर होगा ठीक है बस ये रिलेशन आपको ध्यान रखना ये हीट कैपेसिटी और हीट से रिलेटेड जो भी फॉर्मुले थे मैंने आपको बता दिए इसने बहुत क्लियर सा लिखा है मोल के लिए अब आपके दिमाग में लगा सीपी CP और सीबी CP कौन सा है अभी पता नहीं तो जरूरत भी नहीं है ना वन मोल बोल दिया तो जब वन मोल बोल दिया तो मोलर हीट कैपेसिटी बोलो या हीट कैपेसिटी बोलो तो सीपी माइनस सीबी किसके बराबर होगा आर के बराबर होगा तो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर वन मोल आइडियल गैस थ्री हंड्रेड कैलविन पर एक्सपांड कर रहा आइसोथर्मली फ्रॉम वन लीटर टू टेन लीटर वॉल्यूम डेल्टा यू फॉर दिस प्रोसेस नीट का क्वेश्चन आइसोथर्मल दिसमलर इंपोर्टेंट है, है आइसोथर्मल काफी एक्सपांशन है गैस का रिएक्शन नहीं है रिएक्शन होगा उस समय कुछ केस अलग बनेगा अभी आइसोथर्मल एक्सपांशन ऑफ गैस है या आइसोथर्मल है, तो प्रोसेस है फॉर दी गैस तो आइसोथर्मल प्रोसेस काउट रहे थ्रू आउटी जीरो हो, और टी भी क्या होना जीरो, जीरो स्मॉल चेंज भी जीरो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऐसा नहीं इस वाले पॉइंट का टेम्परेचर टी है इस वाले पॉइंट का भी टेम्परेचर टी है और बीच में कहीं पे टेम्परेचर टू टी हो गया तो वो आइसोथर्मल नहीं है फिर एक अगर स्मॉल सेगमेंट का भी अगर टेम्परेचर डिफरेंस लोगे तो वो क्या रहना चाहिए जीरो आना चाहिए ठीक है सेकेंड नंबर पॉइंट इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू होता है एन सीवीएम डेल्टा टी ऑलवेज ठीक है डेल्टा टी जीरो रखोगे तो डेल्टा यू जीरो हो जाएगा डेल्टा एच होता है डेल्टा यू प्लस डेल्टा ऑफ दीवी अगर आइडियल गैस है उस कंडीशन में

तो उस कंडीशन में आर कन्वर्ट होता है पी में तो इधर और इधर के मूल अलग अलग होते हैं तो उस कंडीशन में डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजी आर टी फॉर्मूला यूज लेना है और डेल्टा एनजी क्या होता है गैस मोल ऑफ दी प्रोडक्ट माइनस गैस मोल ऑफ दी रिएक्टेंट ये बनेगा मेरी बात आपको समझ में आ गई काफी लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि ये फॉर्मुला क्यों यूज में नहीं लिया ये फॉर्मूला तभी यूज में लेना जब केमिकल रिएक्शन हो फॉर्मूला कब यूज में लोगे जब स्टेट चेंज करता हो गैस एक्सपांड कर रहा हो गैस कंप्रेस कर रहा हो तो डेल्टा यू क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा कुछ कैलकुलेशन ही नहीं करना है इसके अंदर तो ये लो 300 सौ कैलोविन पर एक आदर्श गैस को एक मोल को समतापीय रूप से बोल दिया ना आइसोथर्मल थर्मल एक लीटर से दस लीटर आयतन तक प्रसारित किया गया इस प्रक्रिया के लिए डेल्टा यू जीरो ठीक है यहां से अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स अगर अपन लगाए तो क्यू बराबर आएगा माइनस का डब्ल्यू टू पॉइंट और इन रिवर्सिबल का तो मैंने पहले बता ही दिया माइनस का पी एक्सटर्नल इन डेल्टा वी के बराबर हो जाएगा ओके okay है यहां तक चले आगे देखते हैं नंबर क्वेश्चन द करेक्ट ऑप्शन फॉर फ्री एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस अंडर एडियाबेटिक कंडीशन इज देखो क्या क्या कंडीशन देर की रटने की जरूरत नहीं सबसे पहले वर्ड इसने बोला फ्री एक्सपेंशन फ्री एक्सपेंशन का मतलब ये होता है कि एक्सटर्नल प्रेशर जीरो है अगर एक्सटर्नल प्रेशर जीरो है तो सबसे पहले डब्ल्यू जीरो बोला एडियाबेटिक कंडीशन एडियाबेटिक रुद्धोष्म प्रक्रम में हीट एक्सचेंज नहीं होता w0 q0 अगर w0 है q0 है, तो डेल्टा u भी क्या हो गया जीरो डेल्टा u 0 तभी होगा जब टेम्परेचर क्या होगा कांस्टेंट अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो डेल्टा t भी क्या होगा जीरो तो ऐसा बोल दूं क्या आपने एडियाबेटिक बोला और लास्ट में टेंपरेचर कांस्टेंट आ गया इसका मतलब आइसोथर्मल हो गया तो फ्री एक्सपेंशन आइडियल गैस के लिए बात चल रही है फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस इज आइसोथर्मल इसका उल्टा करो अगर फ्री एक्सपानशन होता है तो टेम्परेचर कॉन्स्टेंट तो डेल्टा यू जीरो अगर डेल्टा यू जीरो आया तो क्यू भी जीरो तो मैं ऐसा बोल दू क्या फ्री एक्सपांशन ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस इज एडिय प्रोसेस इज एडियाबेटिक प्रोसेस सही है फ्री एक्सपांशन ऑफ आइसोथर्मल क्या होगा एडियाबेटिक इसका मतलब सिंपल सी बात है फ्री एक्सपांशन है तो आइसोथर्मल बोलो या एडियाबेटिक बोलो दोनों एक ही बात है आइसोथर्मल एडियाबेटिक होगा और एडियाबेटिक आइसोथर्मल होगा आइडियल गैस के लिए ध्यान रखना रियल गैस के लिए नहीं रियल गैस अपने सिलेबस में नहीं है थर्मोडाइनेमिक्स में ओके okay. आइडियल गैस के लिए बोला था तो क्या होना चाहिए था क्यू जीरो होना चाहिए था डेल्टा टी जीरो होना चाहिए था वर्क डन जीरो होना चाहिए था इसका मतलब आंसर थर्ड ओके 23 यहां से बात करते हैं इन विच केस चेंज इन एंट्रोपी इज नेगेटिव पहले एंट्रोपी पे थोड़ा चर्चा कर लेते हैं उसके बाद इस वाले क्वेश्चन पे आते सेकेंड लॉ की एंट्री है यहां से एंट्रोपी वाले टॉपिक से एंट्रोपी इज द मेजरमेंट ऑफ रेंडमनेस जितना ज्यादा रेंडमनेस होगा याद ज्यादा होगी जितना डिसऑर्डर ज्यादा होगा उतना ही एंट्रोपी क्या होगा ज्यादा एंट्रोपी इज द मेजरमेंट ऑफ रेंडमनेस और डिसऑर्डर ठीक है फर्स्ट ऑफ थिंग सेकेंड नंबर एंट्रोपी इज द स्टेट फंक्शन ये ध्यान रखना है मैंने अभी लिखवाया भी था बोला भी था ठीक है थर्ड नंबर एंट्रोपी चेंज कैसे कैलकुलेट करते हैं डेल्टा एस इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा ठीक है अब बात करते हैं एंट्रोपी कैलकुलेट अगर करनी है जैसे मान लीजिएगा अभी एंट्रोपी कैलकुलेट करके भी बताऊंगा डेल्टा एस बराबर क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी हो गया कंपैरिजन करना है किसका एंट्रोपी का तो एंट्रोपी का कंपैरिजन करते टाइम सबसे पहले फिजिकल स्टेट पे गैस उसके बाद लिक्विड और उसके बाद सॉलिड एक तो ये फिजिकल स्टेट पे डिपेंड करेगा सेकंड नंबर अगर आगे एक वर्ड बोलूंगा इसके लिए जगह खाली रख देता हूं जहां पे मैं लिखूंगा थर्ड नंबर पॉइंट पे अगर बात करें कोई रिएक्शन हो रहा है तो रिएक्शन में सबसे पहले ये चेक करूं। अगर केमिकल रिएक्शन है तो डेल्टा एनजी अगर उसका पॉजिटिव है अगर गैस का मूल इंक्रीज हो रहा है तो एंट्रोपी बढ़ेगा डेल्टा एन जी अगर नेगेटिव आ रहा है गैस का मूल कम हो रहा है तो एंट्रोपी डिक्रीज होगा

एन से एक मोल बनने वाला है यह ध्यान रखना ये है। भी है क्रिस्टलाइन उसको बोला जाता है जिसके अंदर पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कैसा होता है रैंडम अरेंजमेंट होता है ठीक है अब अपन उस क्वेश्चन पे आते हैं इन विच केस चेंज इन एंट्रोपी इज नेगेटिव किस स्थिति में एंट्रोपी परिवर्तन ऋणात्मक होगा सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड टू गैस सॉलिड से गैस में तो गैस बनेगा तो एंट्रोपी तो बढ़ेगा यहां पे इंक्रीज है इधर गैस है इधर भी गैस है यहां पे दो मूल है यहां पर एक मूल है गैस का मूल कम हुआ इसका मतलब डिक्रीज होगा तो ये बोल रहा है एंट्रोपी चेंज नेगेटिव तो चेंज इन एंट्रोपी यहां पे नेगेटिव आएगा इवोपरेशन ऑफ वॉटर एच टू ओ लिक्विड है

तो डी यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू लिखना है डी यू की जगह मैंने लिख दिया एन सी वी एम डी टी क्यू प्लस की जगह लिख दिया मैंने माइनस का पी डी वी रिवर्सिबल प्रोसेस चला रहा हूं ठीक है थीके? तो Q बराबर क्या आ जाएगा एन सी वी एम डी टी प्लस पी डी वी ये वैल्यू वहां पुट कर देते हैं तो डी एस बराबर एन सी वी एम डी टी अपॉन टी पी की जगह मैंने लिख दिया एन आर टी बाई वी और टी आए गई डीवी टी से टी हो गया कैंसिल डेल्टा एस बराबर एन सी वी ऑफ दी टी टू बाई टी वन प्लस एन आर एल ऑफ दी वी टू बाई वी वन आइडियल गैस की एंट्रोपी तीन तरीके से बढ़ सकती है एक तो देखिएगा मोल बढ़ेगा एंट्रोपी बढ़ेगी कब जब नंबर ऑफ मोल्स बढ़े डायरेक्टली प्रपोजनल टू में चल रहा है वॉल्यूम देखो वी टू बाई वी वन वॉल्यूम बढ़ेगा तो वी टू बाई वी वन का रेशियो बढ़ेगा इसका मतलब एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव आएगा और एक टेम्परेचर बढ़े इन तीन केस में ठीक है सॉरी वॉल्यूम बढ़े नंबर ऑफ मोल बढ़े वॉल्यूम बढ़े टेम्परेचर बढ़े तो आइडियल गैस की एंट्रोपी बढ़ेगी तो एक्सपेंशन होता है तो वॉल्यूम बढ़ता है अगर वॉल्यूम बढ़ेगा इसका मतलब एंट्रोपी बढ़ेगी सही है तो इसमें मैं अपन से पूछा था एंट्रोपी चेंज नेगेटिव कहां पे आएगा तो सेकंड इज द करेक्ट आंसर ये नीट 2019 का क्वेश्चन है NIT 2020 सेम क्वेश्चन इसी टाइप का टू सी एल से Cl2 टू गैस में द करेक्ट ऑप्शन इज तो जब दो से एक बना वापस तो एंट्रोपी चेंज तो नेगेटिव आएगा तो ये तो गया हां ऑप्शन ऐसा कर लीजिएगा डेल्टा एच आर जो आएगा वो ग्रेटर ये मान लीजिएगा है ना मिसप्रिंटिंग हो गया ये, ये, ये दो ऑप्शन तो गए अब मेरे को पता है एंट्रोपी चेंज नेगेटिव आएगा अब एक बात सुनो जब Cl2 से Cl में कन्वर्ट होता है तो बॉन्ड ब्रेक करना है बॉन्ड ब्रेक करने के लिए हीट या एनर्जी देनी है देनी इसका मतलब एंडोथर्मिक है लेकिन मेरे को ऐसे जाना है तो ये प्रोसेस एंडो है तो इसका रिवर्ट कैसा होगा एक्सो एक्सो होगा तो डेल्टा एच कैसा आएगा नेगेटिव नेगेटिव आएगा तो इसका आंसर क्या बन जाएगा सेकेंड डेल्टा एच नेगेटिव डेल्टा एस भी नेगेटिव ट्वेंटी नंबर पे

आइसोथर्मल है तो एनआर एल एन ऑफ दी वन अपॉन पी टू ये बन जाएगा ये एन आर एल एन ऑफ दी टू एन आर एल एन ऑफ दी वन बाई ले फर्स्ट ऑप्शन अब क्या वो वो फॉर्मूला जो याद किया वो याद रखना है क्या नहीं उस फॉर्मूले को याद रखने की जरूरत नहीं अब सुनो कैसे करना है आपको बोला ना आइसोथर्मल है रिवर्सिबल प्रोसेस में चाहिए अपन को तो को पता है क्यू बराबर माइनस का डब्ल्यू होता है ठीक है ये होता है माइनस का एन आर टी एलेन ऑफ वी, वी वन या पी वन बाई पी टू ये हो गया एनआरटी एल एन ऑफ दी वी टू बाई वी वन टेम्परेचर का डिवाइड लगा दीजिएगा डेल्टा ऐसा जाएगा टेम्परेचर से टेम्परेचर गया एन आर एल एन ऑफ दी पी वन बाई पी टू ये बन जाएगा सही तो कोई लार्ज फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं ये अगर आइसोबारिक प्रोसेस होता तो आइसोबारिक में क्यू जो होता वो है वो डेल्टा एच के बराबर होता है डेल्टा एच किसके बराबर होता है एनसीपीएम डीटी के बराबर तो डीएस जो आता है वो इंटीग्रेशन में एनसीपीएम डीटी डिवाइडेड बाय टेंपरेचर टी लग जाता एनसीपीएम एलएन ऑफ दी टी2 बाय टी1 ये फार्मूला बनता सही है ओके फर्स्ट इसका आंसर हो गया 26 सिबल एक्सपांशन ऑफ आइडियल गैस अंडर आइसोथर्मल कंडीशन द करेक्ट ऑप्शन इज समतापीय परिस्थितियों में किसी आदर्श गैस के लिए अनुत्क्रमणीय प्रसारण के लिए सही विकल्प है देखो ये दो तो गलत हो गए क्योंकि डेल्टा यू जीरो तय तो है अब सुनिएगा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स ये कहता है सेकेंड लॉ ऑफ ये कहता है एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजेज इन द दस प्रोसेस एंट्रोपी ऑफ दूनिवर्स इज कंटिन्यूसलीस प्रोसेस में इंक्रीज हो, हो, okay. हो रहा है तो डेल्टा एस जो आएगा वो ग्रेटर देन जीरो आएगा फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ये टोटल है अपन स्पोन्टेनियस नॉन स्पोन्टेनियस प्रोसेस उसको बोलते हैं स्पोटेनियस प्रोसेस जो एक बार जिसे इनिशिएट कर दे या फिर अपने आप हो जाए द प्रोसेस विच अक्कर इट्स और आफ्टर प्रॉपर इनिशिएशन कोयले को जलाना पड़ता है एक बार जला दीजिएगा कंप्लीट जलेगा अगर ऑक्सीजन की सप्लाई आप प्रॉपर दे रहे हो पानी ऊपर से नीचे अपने आप आएगा जितने भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं वो नेचर में सारे के सारे इन नेचर के होते हैं ये लो तो इसका इसका मतलब मतलब ये इरिवर्सिबल बोल रहा है स्पॉन्टेनियस की बात कर रहा है स्पॉन्टेनियस की बात कर रहा है तो डेल्टा एस टोटल ग्रेटर देन होगा मीन जीरो के बराबर तो नहीं होगा इज द करेक्ट आंसर ओके इरिवर्सिबल ये सॉरी नॉन स्पोन्टेनियस डेल्टा एस टोटल लेस देन जीरो एंड डेल्टा एस टोटल इक्वल टू जीरो है ये कहां पे बात होगी एट इक्विलिब्रियम ये सेकेंड ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है नेक्स्ट करेक्ट थर्मोडाइनेमिक कंडीशन फॉर दी स्पोन्टेनियस रिएक्शन एट ऑल टेम्परेचर सुनिएगा आपने बोला स्पोटेनियस प्रोसेस तो मैंने बोला स्पोटेनियस प्रोसेस होता क्यों है कौन होता है जो इसको चलाता है स्पोटेनियस प्रोसेस को कौन ड्राइविंग फोर्स है तो स्पोटेनियस प्रोसेस के दो ड्राइविंग फोर्स है नेगेटिव साइन ऑफ द डेल्टा एच एंड पॉजिटिव साइन ऑफ द डेल्टा एच ये इसके ड्राइविंग फोर्स है अगर ये दोनों ड्राइविंग बन जाए अगर ये दोनों फोर्स के एक साइड से ही लग रहे तो हंड्रेड परसेंट यह ब्लॉक जाएगा अपन को यहां से यहां भेजना है और दोनों फोर्स इधर से लग रहे तो वो हर कंडीशन में ईच एंड एवरी कंडीशन में प्रोसेस कैसा होगा स्पोटेनियस अगर आपको स्पॉन्टेनियस करवाना है तो ये लगा दो डेल्टा एच नेगेटिव एंड डेल्टा एस पॉजिटिव डेल्टा एच नेगेटिव एंड डेल्टा एस पॉजिटिव ये लो इज द करेक्ट आंसर आप चाहते हो नहीं हर कंडीशन में नॉन हो तो उल्टा लगा दो ये लो सही है आप चाहते हो कि नहीं लो टेम्परेचर पे होना चाहिए तो लो टेम्परेचर पे होना चाहिए तो आपको पता होना चाहिए टी डेल्टा टर्म्स होता है ठीक है अगर आप टेम्परेचर लो रखना चाहते हो इसका मतलब ये वाला फैक्टर कम रखना चाहते हो ये वाला फैक्टर कम रखना चाहते हो इसका मतलब ये अपोजिंग बन रहा है कैसा बन रहा है अपोजिंग बन रहा है अपोजिंग बनेगा इसका मतलब डेल्टा एस नेगेटिव होगा इसका मतलब डेल्टा एच भी नेगेटिव होना चाहिए क्योंकि ये तो अपोजिंग हो गया तो एक तो ड्राइविंग रखे ठीक है और आप बेसिकली जो चेक करते हो वो यहां से करते हो डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस से। अगर आपने कहा टेंपरेचर लो होना चाहिए तो लो टेंपरेचर पे तो अगर डेल्टा एस मैंने बोला था नेगेटिव होगा तो नेगेटिव इनटू नेगेटिव पॉजिटिव होने वाला है डेल्टा जी नेगेटिव होता है तभी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है तो डेल्टा एच को नेगेटिव बनना ही पड़ेगा तभी ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव ओवरऑल नेगेटिव तभी आएगा जब ये वाला टर्म्स कम हो इसका मतलब टेम्परेचर कम रखना है ठीक है ट्वेंटी एट फॉर ए गिवन रिएक्शन डेल्टा एच एंड डेल्टा एस दे रखे दी रिएक्शन इज स्पोंटेनियस एट अब सुनो वापस वही कहानी आ गई डेल्टा एच जो दे रखा है वो पॉजिटिव है डेल्टा एस पॉजिटिव है इसका मतलब ड्राइविंग फोर्स ये है अगर ड्राइविंग फोर्स अगर ये है तो इसका मतलब इसकी ज़्यादा रखनी पड़ेगी वैल्यू ज्यादा रखनी पड़ेगी इसका मतलब ज़्यादा 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 रखना पड़ेगा। किससे तो मैंने कहा से temperature होना चाहिए। अब आप आएगा? तो बराबर लोगों पर डेल्टा जी डेल्टा तो एच माइनस टी इक्विलीबियम इंटू डेल्टा एस तो यहां से टी इक्विलिब्रियम इट इज इक्वल टू डेल्टा एच बाई डेल्टा एस लगाओ किलो जूल में तो थाउजेंड का मल्टीप्लाई कर देना अपॉन में 83.6 थ्री पॉइंट सिक्स ये आएगा एक बार के लिए फोर ट्वेंटी फाइव कंसिडर कर लेते हैं चलो ठीक है अगर फोर ट्वेंटी फाइव पे इसका मतलब टेम्परेचर क्या होना चाहिए फोर ट्वेंटी फाइव से ज्यादा होगा तब रिएक्शन स्पोन्टेनियस होगी फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर 29 अच्छा क्वेश्चन है ये फॉर द रिएक्शन X2O4 लिक्विड कन्वर्ट हुआ 2 टाइम्स XO2 गैस में डेल्टा U इसका दे रखा है केलो, किलो किलो कैलोरी में डेल्टा S 20 कैलोरी पर केल्विन दे रखा है डेल्टा G आपको पता है डेल्टा G कैलकुलेट करना तो आपके पास फार्मूला तो यही है ठीक है मैंने कहा डेल्टा H तो नहीं गिवन है तो आपने कहा केमिकल रिएक्शन है तो डेल्टा H का फार्मूला तो ये होता है डेल्टा U 2.1 किलो कैलोरी डेल्टा एन जी इधर गैस के दो मूल है इधर जीरो मूल है तो डेल्टा एन जी आ गया टू आर की वैल्यू कैलोरी में टू टेम्परेचर थ्री हंड्रेड लेकिन ये कैलोरी में आया तो किलो कैलोरी में कन्वर्ट कर लो थ्री पॉइंट थ्री किलो कैलोरी अब बात करते हैं कहां पे डेल्टा जी पर डेल्टा एच थ्री पॉइंट थ्री किलो कैलोरी माइनस टेम्परेचर तीन सो डेल्टा एस ट्वेंटी किलो कैलोरी में कन्वर्ट करने के लिए ये लो का किलो कैलोरी। इज़ करेक्ट। दोनों लॉ लॉ एक साथ लगे। ये है, ये ऑफ़ ऑफ़ है, फर्स्ट कैलकुलेट कर लेंगे सिंपल सा क्वेश्चन अब यहां से क्वेश्चन थर्मोकेमिस्ट्री की के स्टार्ट हो रहे है। आप देखिएगा थर्मोकेमिस्ट्री में बहुत ज्यादा बर्डन लेते हैं अपन जबकि लास्ट अगर अपन बात करें टेन ईयर में तो ओनली फोर तीन क्वेश्चन आए जो थर्मोकेमिस्ट्री से रिलेटेड रिएक्शन है for और की अगर एक्टिवेशन एनर्जी सेम है तो ये तो तभी हो सकता है जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेम वाले पॉइंट पे चल रहे हो जितनी फॉरवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी उतनी, -उतनी की उतनी बैकवर्ड की आपको पता है फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड जो होता है वो डेल्टा एच के इक्वल होता है अगर ये दोनों बराबर है इसका मतलब डेल्टा 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 किसके बराबर आना चाहिए जीरो जीरो होगा इनका कोई लेना देना नहीं है किससे एक्टिवेशन एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी डेल्टा एच के टर्म्स में डिफाइन होता है ठीक है एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड इस वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखो इसको ग्राफ वगैरह ऐसा बनाया अपन तो ग्राफ ऐसा बनेगा ये फॉरवर्ड की है और ये 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 बैकवर्ड है इसका डेल्टा एच है एंडोथर्मिक रिएक्शन है देखो फॉरवर्ड की ज्यादा है बैकवर्ड की कम है फॉरवर्ड की ज्यादा बैकवर्ड की कम तो डेल्टा एच पॉजिटिव और एंडोथर्मिक ये ध्यान रखें ओके नेक्स्ट थर्टी वन नंबर क्वेश्चन इसमें भी आपको थोड़ा डाउट हो सकता है क्वेश्चन से रिलेटेड मतलब आंसर से रिलेटेड ठीक है हीट ऑफ कंबेशन ऑफ कार्बन टू सी टू इज माइनस थ्री नाइनटी थ्री पॉइंट फाइव किलोजूल पर मोल द हीट रिलीज अपॉन फॉर्मेशन ऑफ थर्टी फाइव पॉइंट टू ग्राम ऑफ दी ओ टू फ्रॉम कार्बन एंड ऑक्सीजन गैसेज कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड के लिए दहन की उषमा इतनी दे रखी है कार्बन एवं ऑक्सीजन से 35.2 ग्राम CO2 बनने पर उत्सर्जित उष्मा अब मैं बहुत क्लियर सी वर्ड बोल देता हूं इससे हीट रिलीज तो बोल ही चुका है अब आपको ओनली फॉर मैग्नीट्यूड बताना है नॉट साइन सर यहां पे साइन लिखा था तो यहां पे मेरे को पता नहीं था ना कि ये हीट रिलीज हुई है या एब्जॉर्ब हुई है इसलिए मैंने नेगेटिव लिखा है इसका मतलब दहन की एंथैल्पी या हीट ऑफ कंबशन जो होता है वो एक्सोथर्मिक होता है ये यहां से पता चलता है नेगेटिव साइन से अब इसने बोल ही दिया ना कि है तो इसका मतलब आपको ओनली मैग्नीट्यूड बता रहा है जितनी भी स्टैंडर्ड डेफिनेशन है वो सारी वन मोल के लिए डिफाइन होती है तो आपको एक मोल कार्बन का करवाना है ये लीजिएगा में एक मोल फ्यूल का कम्बेशन करवाना है सीओ बन गया इसका डेल्टा एच दे रखा है माइनस का थ्री नाइन थ्री पॉइंट फाइव किलोजूल पर जब इसका एक मोल का कम्बेशन करवाया तो ये फोर्टी ग्राम बना तो फोर्टी ग्राम के करस्पॉन्डिंग हीट रिलीज मैग्नीट्यूड में बात करूं तो ये आएगा वन ग्राम के लिए और थर्टी फाइव पॉइंट टू के लिए तो थ्री नाइनटी थ्री पॉइंट से तो कम ही आएगा थ्री नाइनटी थ्री पॉइंट फाइव से कम ही आएगा इतना कम आना नहीं है ये ज्यादा आना नहीं है रिलीज बोला है अपन साइन फर्स्ट देंगे आंसर उसका रीजन रिलीज तो बोल ही चुका है तो रिलीज जब बोल चुका है तो ओनली फोर अपन को मैग्नीट्यूड बताना है ठीक है अब आपके कमेंट ये हो सकते हैं कि सर नहीं रिलीज बोला तो माइनस का थ्री जब वर्ड इसने लिख दिया है ही है तो उस कंडीशन में ओनली फोर मैग्नीट्यूड पे ही बात करेंगे इससे ज्यादा बात नहीं करेंगे अपन ठीक है क्वेश्चन नंबर थर्टी टू नीट दो हजार अठारह क्वेश्चन डेल्टा एच ऑफ दी फॉर्मेशन ऑफ एक्स वाई माइनस का टू हंड्रेड है XY का जब भी तो रिएक्शन तो बैलेंस करोगे तो ऐसे लिखा जाएगा इसका डेल्टा एच कितना है माइनस का टू हंड्रेड अब मेरे लिए डेल्टा एच आर है रिएक्शन है अगर डेल्टा एच आर रिएक्शन है तो सुनिएगा डेल्टा एच आर जो आता है वो अगर फॉर्मेशन का डेटा गिवन है तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट लगाना है अदरवाइज कंबशन का डेटा गिवन हो तो आर माइनस पी लगाए और बॉन्ड एनथेलपी का भी अगर डेटा गिवन हो तब तो भी आर माइनस पी लगाए ओके ये बात ध्यान रहे बस अपन को इसके अकॉर्डिंग करना है माइनस का टू हंड्रेड बॉन्ड एनर्जी दे रखा तो इसको एक्स मान लिया तो ये एक्स बाई टू ये रिएक्टेंट गए माइनस एक्स वाई का एक बॉन्ड है एक्स माइनस का टू इट इज इक्वल टू एक्स बाई टू प्लस एक्स बाई फोर माइनस एक्स

हीट रिलीज वर्ड बोला जाता है तो जब लैंग्वेज में जब आप इसको लिखते हो तो ओनली फॉर मैग्नीट्यूड लिखते हैं साइन नहीं लिखते हैं वर्क डन बाय बाई गैस जब बोला जाता है तो जब आपने लैंग्वेज में बोल दिया है वर्क डन बाय दी गैस तो ओनली फॉर मैग्नीट्यूड लिखा जाएगा नॉट साइन ओके उसके अकॉर्डिंग मैंने दोनों आंसर दिए हैं ओके थैंक यू